आम आदमी पार्टी के द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए मुहिम छेड़ी गई है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह जाकर ऑक्सीमीटर कैंपेन के तहत लोगों के ऑक्सीजन लेवल को जांचा जा रहा है। इसी कड़ी में हमीरपुर गांधी चौक और बाजार में आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने प्रदेशाध्यक्ष निक्का सिंह पटियाल, प्रदेश प्रभारी रत्नेश गुप्ता की अगुवाई में लोगों के ऑक्सीजन लेवल को जांचा गया। प्रदेश प्रभारी रत्नेश गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल में सरकार के उदासीन रवैया के चलते आम आदमी ने वह काम किया जा रहा है जो सरकार को करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 2 लाख लोगों के ऑक्सीजन लेवल को चेक कर चुके हैं और 70% बूथ को अभी तक पूरा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन लेवल के दौरान ऑक्सीजन लेवल कम होने पर आम आदमी पार्टी ने अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था की है। अभी तक हम अंदाजन जो है 2 लाख लोगों का जो है ऑक्सीजन लेवल चेक कर चुके हैं और अंदाजन जो है 65 से 70 हज़ार घरों तक हम पहुंच चुके हैं। और बूथ लेवल की बात करेंगे तो हम लोग 70% के करीब बूथ जो है हम कवर कर चुके हैं। जितने लोगों का हम लोगों ने ऑक्सीजन लेवल चेक किया है उसमें बहुत सारे लोग हमारे को, मैं नंबर तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का हम लोगों ने जो पता चला कि इनका ऑक्सीजन लेवल लो है उनको हॉस्पिटल में पहुंचाना और उनको हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था से लेकर एडमिट कराने तक की व्यवस्था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है। हम लोगों के इस समय जो है 7,500 ऑक्सीमित्र हैं और उन ऑक्सीमित्रों ने जो है 2 लाख लोगों के करीब का जो है ऑक्सीजन लेवल चेक किया कर चुके हैं और हमारे करीब 7,500 ही ऑक्सीजन जांच केंद्र। आम आदमी पार्टी के ऑक्सीजन लेवल कैंपेन पर बयानबाजी प्रदेश प्रभारी रत्नेश गुप्ता ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा भाजपा कांग्रेस को ये करना राजनीति दिखती है लेकिन यह सब महामारी से लड़ने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आप पार्टी ने कोरोना को कंट्रोल में करके रखा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कोई राजनीति करने नहीं आए हैं बल्कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही लॉकडाउन खुला है तो आम आदमी पार्टी ने एक्टिविटी शुरू कर दी है और इससे पहले पार्टी कार्यकर्ता लॉकडाउन की वजह से हिमाचल में नहीं घूम सके हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा, उनको इसमें राजनीति नजर आती है लेकिन ये कोई राजनीति नहीं है, ये एक महामारी से लड़ने का प्रयत्न है। क्योंकि हम लोग दिल्ली में हम लोगों ने कोरोना को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है और उसी तरह से हम लोग जो है हिमाचल में लोगों की मदद करना चाहते हैं ताकि किसी भी आम आदमी पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है, हमारी जो है 62 सीटों की दिल्ली में सरकार चल रही है, हम लोग जरूर एक राजनीतिक पार्टी है लेकिन हिमाचल प्रदेश में हम कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। हिमाचल प्रदेश में हम सिर्फ कोरोना महामारी से लोगों को लड़ने में मदद करने आए। 6 महीने में शायद आपकी नॉलेज में भी होगा कि 6 महीने से लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के अंदर जो है ऐसी कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं थी और जैसे ही लॉकडाउन के अंदर अलाउ किया तो हम लोगों ने जो है ये एक्टिविटी यहाँ पे आके तुरंत चालू कर दी। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमीरपुर में ऑक्सीजन जांच करने का अभियान शुरू किया है ताकि कोरोना बीमारी से बचाव हो सके। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ने पूरे देश भर में शुरू किया गया है जिससे लोगों को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे हिमाचल के हर गांव-गांव जाकर ऑक्सीजन लेवल की जाँच की जा रही है। ऑक्सीमीटर अभियान हमीरपुर में स्टार्ट हुआ है, हम लोगों की ऑक्सीजन लेवल जाँच कर रहे हैं जिससे कि लोगों के ऑक्सीजन लेवल जो है उसके स्तर का पता चल सके। अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल डाउन है, कम आ रहा है तो हम उसको हॉस्पिटल जाने की सलाह दे रहे हैं या उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग समय रहते अपनी जांच करवाएं और इस कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए ये प्रदेश के अंदर, पूरे हिमाचल के अंदर ये मुहिम जो है आम आदमी पार्टी ने स्टार्ट की हुई है। इंडिया लेवल पर भी ये मुहिम पूरे इंडिया के अंदर चल रही है। ऑक्सीमीटर अभियान जो है पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ये अभियान जो है हमने तकरीबन 1 महीना पहले स्टार्ट किया हुआ है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में हम लोगों की ऑक्सीजन लेब बूथ स्तर पर गाँव-गाँव में जाके हमारे जो वॉलंटियर है वो उनकी जाँच कर रहे हैं। हिमाचल के 80% बूथ कवर है, 20% जो है क्योंकि अभी
हिमाचल में थोड़ा सा खेतीबाड़ी का भी कार्यक्रम चला हुआ है, लोग उसमें हमारे वॉलंटियर भेजी हैं, जैसे ही वो इस काम से फ्री होते हैं तो इस मुहिम में और तेजी लाई जाएगी और 100% हमारी कोशिश है कि हम हर बूथ पे हर गांव में इस अभियान को लेके जाएंगे।